आज है ना हम निकल रहे थे सीहोर। ओए माखन चोर, हमारे घर पहली बार पाव भाजी बन रही है भैया, आज के पहले हम लोगों ने कभी बनाई नहीं। हम जा रहे घूमने, पिज्जा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, बर्गर खाएंगे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए। फिलहाल हम सब भी आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ही अच्छे हैप्पी है, एयर स्वस्थ और मस्त हैं। सुबह है की जय श्री कृष्णा। बोलो, आज पाव भाजी बनी है। हाँ क्या बनेगी? पाव भाजी बनेगी। आप खाओगे? क्यों बोल रहा है, खाता तो है नहीं। हाँ यार, आप खाते तो हो नहीं पाव भाजी, क्यों? और छोटू पाव भाजी खाएगा? हाँ। पक्का? हाँ। प्रॉमिस? हाँ। प्रॉमिस? दूर से ऐसे देखो ना। अरे प्रॉमिस करना है भाई, मुक्का थोड़ी मारना है। हे गाइस, तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9:30 बज रही है। 8:30 बजे में उठ गई। मम्मी पापा तो पहले ही उठ जाते हैं रोज सुबह से, समथिंग 5-6 बजे उठ जाते हैं वो लोग। तो बच्चे अभी उठे हैं, आर्यन गया है बटर लेने के लिए। अभी सबसे पहले जाते हैं भाजी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पाव तो तैयारी है ना, सिर्फ भाजी बनानी है। और उसके बाद खाने पीने के बाद आज हम लोग निकलने वाले हैं सीहोर के लिए। सीहोर भोलेनाथ के दर्शन करने जाएंगे। आज निकलेंगे समथिंग दोपहर में, तो वहाँ पर रात तक पहुँच जाएंगे। फिर होटल ले लेंगे, वहाँ पर रूम में एक नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद फिर कल सुबह मॉर्निंग में सोमवार को दर्शन करेंगे। कल तो भैया हमारे यहाँ बहुत प्यारी बारिश हुई, रात को समथिंग 12:30 बजे के बाद स्टार्ट हुई थी बारिश, तो 2 बजे तक चली। उस टाइम पर मैं जगी रही थी, नींद आ नहीं रही थी, मैं बस सोने की कोशिश कर रही थी, पर अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं पैर बहुत तेज़ दुख रहे थे। तो इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, बिजली ऐसी चमक रही थी ना, कि बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर उसके पूरे लाइट आ रही थी, सारे खिड़की दरवाजे लगे हुए थे, उसके बाद भी अंदर तक उसकी लाइट आ रही। चलो फिलहाल अभी भाजी की तैयारी कर लेते हैं। सारी चीज़ें, सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट करना है, उबलने रखना है, बखार लगा के। अरे गंदे काम नहीं चाहिए मुझे। टोटे 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 अपन कल लाते ना वो चीज, तो वो आज तक तो पिघल जाती। हाँ, बटर। चलो अब जो बच्चे जल्दी जल्दी ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, उनको पाव भाजी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। Hey guys, good morning, welcome back to our new vlog। तो फिलहाल अभी 10:15 हो रही, नहा धो तैयार सो गए। आज ना अदिति घर पे बन रही पाव भाजी, अपने घर पे बन रहा है भैया पेपर डोसा। सीतू बना रही है पोहे, तो क्या पता क्या क्या मिक्स करा उसे पेपर डोसा बनेगा। और बनेगा तो है नहीं, इसका पक्का है, कहीं तो भी बना के खाएंगे देखना। नहीं ये मिर्ची क्या आ गई बे, कई 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 कैसा कैसा बनाएंगे पेपर डोसा, और सही तरीके से बनता है। मिर्ची पेपर डोसा खाया है तूने? पेपर डोसा खाया? हाँ। गंदा बनाया था ना? गंदा था ना? हाँ। देव भैया प्रिंसी नहीं बोलते पेपर डोसा गंदा था। आज है ना हम निकल रहे थे सीहोर, सीहोर के लिए निकलेंगे, यहाँ से फिर सीहोर जाएंगे। तो ये वीडियो जो है ना शायद ही अपलोड हो पाएगा, अभी भी आज ये जो वीडियो शूटर है भी शायद अपलोड हो पाएगा, कल वाला वीडियो भी शायद ही अपलोड हो पाएगा, है ना। वो इसकी वजह ये है क्योंकि हम यहाँ से ट्रैवल कर देंगे, हम 300 किलोमीटर जाएंगे, 300 आना, वहाँ रुकना, क्या करना, फिर सारी चीज़ देखना पड़ेगी। लैपटॉप नहीं ले जा पाऊँगा ना मैं, इस वजह से थोड़ा इस ये बाद में डल जाएगा वीडियो, ऐसा तो नहीं डालूंगा, बनाऊंगा और बाद में डलेगा। तू था दी पत्ता लाउंडा में, तू तले थी मेरे था थाने के लिए, वहीं पे था लेना, तू वहीं था लेना पे ना। हाँ। मामी ते था दलम दलम थे। ठीक है, तो बोला अभी 11:40 हो रही है, अब भी जा रहा हूँ अदिति घर पे। सबसे पहले जा रहा हूँ बिल्ली को छोड़ने के लिए, क्योंकि भी हमें हम जा रहे हैं सीओर, और मम्मी और सीतू ये तो खाना भी नहीं देंगे ना पानी देंगे, इसलिए उन्होंने बोला देख इनकी केयर हमारे से होगी नहीं, इनको तू रख के आ जा वापस, इसलिए रख के आ रहे हैं, फिर वापस आएंगे तो वापस ले आएंगे। मेरे को एक ही प्रॉब्लम आती है हमेशा, कहीं जाओ तो इनको रख के आओ, कहीं आओ तो फिर इनको लेके आओ, बार बार इनको छोड़ने जाना पड़ता है। पर अच्छी एक बात अच्छी है कि जो भैया ना जहाँ से बिल्ली लिए, वो भैया जब तरह मर जाओ जब दे जाया कर और ले जाया कर, कोई टेंशन नहीं। सभी तो नाला और कोको दोनों को पैक कर लिया, इनको भैया को लेके आते हैं, फिर चलते अदिति घर, वहाँ पाव भाजी बनी, पाव भाजी खाएंगे, फिर वहाँ से सीधा इधर घर पे आऊँगा, घर से फिर सीहोर निकल जाएंगे। चलो आ जाओ। हे गाइस, तो फिलहाल अभी 12 बज गई है, हमारी पाव भाजी बनके तैयार है। भाजी कुछ पहले बन गई थी, यहाँ भाजी बनके तैयार है। अभी पाव गरम गरम सभी को सेक के दे रही हूँ। अभी खाने बैठे हैं सिर्फ पापा, यहाँ पे बैठा है आर्यन। कैसी बनी सच में? मार्केट वाले फेल? फेल नहीं।
दुष्ट ले। कैसे बने पापा? बहुत बढ़िया। पक्का? मम्मी फिर? मम्मी फिर कहा बने? मारेगा नाना को ऐसा? नाना मारेगा? मैं बोला था ना कि अच्छे बनाते हैं। मार्केट से फेल कर दिया है। मार्केट से फेल कर दिया कि मार्केट को फेल कर दिया? मार्केट को फेल कर दिया। शेयर मार्केट डाउन डाउन। दिल खोल के खा। ओए माखन चोर, चटका लगाओ क्या? पापा इसलिए बोल रहे हैं कि मम्मी ने अभी तक नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर पहली बार पाव भाजी बनी है भैया। आज के पहले हम लोगों ने कभी बनाई नहीं। अगर मन होता था ना खाना खाने का तो मार्केट में ही जाके खा के आ जाते थे, वो भी मेले में या फिर मार्केट जाते थे। तो और ये पार्टी पता है किसकी वजह से मिल रही है? मैं यहाँ आने वाली थी उसके पहले से उसकी दादी को बोल के आया था कि मैं नानी घर जाऊंगा, पाव भाजी बनवा के खाऊंगा और नाना और मामा और नानी को भी खिलाऊंगा। और जब से पीछे पड़ा है 10 दिन हो गए, आज 11वें दिन उसको पाव भाजी फाइनली खाने को मिल रही है भैया। पर आपने खाई तो ही नहीं अभी तक। तो ना दे दूँ अभी तो आपसे पूछा ऐसे? बेटा इसको नहीं झूठा करना, ये गंदी बात होती है। ठीक है आपको एक बनने का देते ना, पूरा ही पूरा खा जाऊंगा। हाँ दे देंगे आपको। ठीक है चलो बैठो, मैं ला रही हूँ आपकी भी प्लेट लगा के। यहाँ पे हमारे अद्दी के लिए भी पाव रेडी हो गया है, अब उसको ले लेते हैं। चलो नाना साथ बैठ के खा रहे हो ना। यहाँ पे हमारे अद्दी की भाजी अलग बनी है भैया, फीकी भाजी। ये देखो भाजी। और कल जब कर्मा जी ने घर जाके बोला ना कि मामी की पाव भाजी बनाएगी, तो प्रिंसी रे मैडम का भी ऑर्डर आ गया कि मैं भी पाव भाजी खाऊंगी। इसलिए भाजी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है, जब कर्मा जी आएंगे ना तो उसके लिए भी भेज दूंगी, वो भी खा लेगी पाव भाजी। ठीक है तो फिलहाल चलो पाव भाजी आ गई, पाव भाजी खाते हैं। ए मेला नींबू है मेले। मेरा है भाई। मैं क्या लूंगा? ले ले चाट 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 चाट। नहीं नहीं तू चाट ले, नहीं तो चाट ले, आज तो चाट ले, जीभ पे लगा ले। चल भैया पाव भाजी खाते हैं। ठीक है मैं खाऊंगा। तू नमक, तू नमक ज्यादा हो गया तो थोड़ा सब्जी कम पड़ गई नानी। अरे वो अच्छा लग गया, उसमें क्या है गिली भी सूख गई। देखो क्या देख रहा है तू? मुझे बना रहा मम्मी का बना रहा ये मेरे भगवान का बना रहा भगवान का। हाँ मेरे भगवान का बना। मैं दिख रही हूँ? नानी दिख रही है कि नानी? नानी हाँ आओ है गाइस। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3 बज रही है भैया, सभी जने पाव भाजी खा ली और उसके बाद जैसे हम लोग खाने बैठे ना पापा आ गए थे। तो पापा आए थोड़ी देर बैठे, बच्चों को खिलाया और जैसे ही जाने लगे हमारा विदित भी उनके पीछे पीछे चला गया। तो अभी फिलहाल विदित तो वहाँ घर पे ही मिलेगा हमको। क्यों विदित को लेके चलना है कि नहीं चलना? पर एक ही बलून लिया है। अरे यार बलून तो एक ही रखा है, बच्चे तो अब क्या करेंगे। चलो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते, सारे लोग तैयार हो गए हैं। फिलहाल इसमें भाजी रख ली है, एक में पिंसी के लिए, एक में सीतू दीदी के लिए, अगर मन हुआ तो वो भी खा लेगी क्योंकि प्रेग्नेंट है ना। थोड़ा बहुत मन मतलब अगर अच्छा लग जाता है ना तो इंसान खा लेता है, ऐसे तो भूखे ही रहती हो पूरे टाइम पे। हे गाइस तो फिलहाल अभी हम जा रहे भैया यहाँ से निकले सीहोर के लिए। सबसे पहले तो घर जाएंगे, मेरा सामान उठाएंगे, फिर यहाँ से सीहोर निकलेंगे। विदित भी ना मैं घर पर पहुँच गया है, पापा अभी आए थे यहाँ पे मिलने के लिए तो पापा के साथ बैठ के निकल लिया, बोले मैं दादी पास जाना है। अच्छा मम्मी खिला लेंगे उसको, फिर हम सीओ निकल जाएंगे। चलो निकलो बाहर, चलो हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। चलो माता ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। चलो भैया थार से निकलेंगे हम लोग। चलो भैया अपने अपना सामान भी रख लिया, पिंचू दीदी को बाय बोलते हैं। ओ पोचे वाली पिंचू दीदी बाय। ओ पोचे के कपड़े वाली पिंचू दीदी, ओ पोचे कपड़े पिंचू दीदी बाय। हम जा ले घूमने, पिज्जा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बाय बाय। चलो भाई इंदौर।
ओ गोवा चलो गोवा घूमने के लिए चल चले गोवा चलो चलो घूमे चलो गोवा चलो भाई दरवाजा लगा और निकलो यहाँ से 3:30 बजे जा रहा हूँ ये देखो इसको येनी मुनी बन के क्या देख विदित को शर्म ही बेटा ऐसे नंगे उतरते हुए घर से क्यों विदित चप्पल तुन तुन नंगा आ गया पीके बन के आ गया बड़ा तो गर्मी ज्यादा है कैसे जा रहे हम देखो पापा जी ये देखो चले विदित कपड़े पहन लिए कपड़े पहन लिए ये विदित उठ उत्तू बड़ा विदित तू बैठा ना छोटा था तब बिठाया विदित को भी आउट हो गया अपन ने देखा तो देखो अपन को भी टाइम है ना समथिंग 9-10 बजे तक पहुंचेंगे अपन चलो ठीक है हाँ इडल भी है बहुत बड़ा एक कॉल है भैया एक कॉल है